हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेल्थ चैनल हेल्थ विद सोनल। फ्रेंड्स, आयुर्वेद में घी को एक बहुत ही सात्विक फूड और साथ ही इसे एक हेल्दी फैट भी माना गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे घी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स, घी खाने के फायदे और हमें किस तरह का घी कंज्यूम करना चाहिए या घी खरीदते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, घी इसलिए हेल्दी है क्योंकि घी में ब्यूटरेट या ब्यूटरिक एसिड होता है। ब्यूटरिक एसिड एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। ब्यूटरेट हमारे गट लाइनिंग के सेल्स या कोलोनासाइट्स का मेन एनर्जी सोर्स है। मतलब इन सेल्स को ठीक से फंक्शन करने के लिए ब्यूटरेट की ज़रूरत होती है। ब्यूटरेट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जैसे कि कोलाइटिस, इरिटेबल बोल सिंड्रोम के लिए घी बहुत ही अच्छा है। ब्यूटरेट इंटेस्टाइन्स के लिए अच्छा है। ये कोलोन कैंसर और लीकी गट को प्रिवेंट करता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने पर रिलीफ देता है। और फ्रेंड्स, ब्यूटरिक एसिड टी सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और ब्यूटरेट एंटी कैंसर भी है। घी में कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड या CLA भी पाया जाता है। कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के हेल्थ और कई इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं। घी में ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड भी पाया जाता है और साथ ही घी में MCT या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स भी होते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉन्जुगेटेड लिनोलेक एसिड या CLA एक हेल्दी फैट है। ये एक ऐसा फैट है जो कि फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ये इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है और इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होते हैं। कंजुगेटेड लिनोलेक एसिड मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है। CLA अपने डाइट में लेने से एनर्जी और स्टैमिना लेवल भी इम्प्रूव होता है। फ्रेंड्स, घी इसलिए भी हेल्दी है क्योंकि इसमें सभी फैट सोल्यूबल विटामिन जैसे कि विटामिन D, A, E, K2 भी पाए जाते हैं। इनफैक्ट घी में जो विटामिन ए होता है वो रेटिनॉल फॉर्म या विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म में होता है। साथ ही घी विटामिन K2 का भी एक अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है। घी में एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। घी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। घी हमारे बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। घी हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। ये थायराइड डिसफंक्शन के लिए अच्छा है। घी अपने डाइट में लेने से ये इरेगुलर पीरियड्स और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे मेंस्ट्रुअल इश्यूज में रिलीफ देता है। घी रेगुलर कंज्यूम करने से ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कम करता है। घी हमारे जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज को लुब्रिकेट करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और प्री मच्योर एजिंग को भी रोकता है। और फ्रेंड्स, घी ऐड करने से ये फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसे भी रिड्यूस करता है। घी का स्मोक पॉइंट हाई होने के कारण आप इसे कोई भी तरह की कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। स्मोक पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जब एक फैट या ऑयल को हीट करने पर वो बर्न और स्मोक करना शुरू होता है। और फ्रेंड्स, आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप सुबह खाली पेट 1 टीस्पून घी लेते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और घी खरीदते समय आपको जिन बातों का ध्यान देना है कि वो आप जब भी घी खरीदें तो वो देसी गाय के दूध से बना होना चाहिए और घी हमेशा 100% ग्रास फेड काउस का होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपने कई घी के बॉटल्स पे A2B लिखा देखा होगा। बेसिकली जिस मिल्क में सिर्फ A2 बीटा कसेन होता है उस मिल्क से बनने वाले घी को A2 घी कहते हैं। कसेन मिल्क में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। A2 मिल्क प्योर और न्यूट्रिशियस होता है और इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इसलिए आप A2 घी कंज्यूम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, घी खरीदते समय आप ध्यान दें कि घी बिलोना मेथड से बना हो और ऑर्गेनिक हो। नॉर्मली प्योर देसी गाय के घी का रंग येलो येलोइश या गोल्डन कलर का होता है और घी थोड़ा दानेदार भी होता है।
सो फ्रेंड्स, आप प्योर देसी गाय के घी को अपने डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आप रिफाइंड ऑयल की जगह कुकिंग में घी यूज़ कर सकते हैं, आप घी को रॉ फॉर्म में भी खा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।